ठाकुर जी की भक्ति में सराबर हो जाओगे। इसलिए ये भागवत में दो कथा है, एक ज्ञान वैराग्य और एक श्री धुंधुकारी गोकर्ण की कथा है। इसलिए यहाँ पर हमारे दो भक्त बैठे हुए, आपको इसी विषय पर आपको थोड़ी थोड़ी कथा सुनाएंगे, ये ज्ञान वैराग्य को कैसे जवान मिला और कैसे ये धुंधुकारी को कैसे भगवत भक्ति और भगवत चरण के प्रेम प्राप्त हुई, ये कथा सुन सुना सब ज्ञान वैराग्य ये इनको माइक दे दोगे इनको खड़े हो गए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कमालदेवं करुणानिधानं कमालवर्णं शोभितापतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवानंद जी गौर भक्त उपस्थित गुरु वैष्णव वृंद वैष्णवी समस्त चरणों में अधमगा तथा जगत कृपा। अभी अभी हम गुरुपाद पद्म के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे कि श्रीमद् भागवतम की जो महिमा है वो तो पुराण में विशेष करके उसका महात्म्य को व्यास जी खुद ही लिख रहे हैं, पद्म पुराण और स्कंद पुराण। बोले ये महिमा सुनने का क्या आवश्यक है, इनके भागवत जी का महात्म्य सुनने का क्या आवश्यक है। बोल रहे हैं कलिकाल के जो बद्ध जी ये बिना महिमा से ये भागवत को विश्वास नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे, इसलिए इनका महिमा को बता रहे हैं। तो नैमिषाल में विशुद्ध गोस्वामी को ऋषिगण पूछ रहे हैं कि यह घोर कलोपाय जीव शान सुरतांगता क्लेश क्रांत तस्व शोधने किं परायण शोधने किं परायण कि यह घरे कलो प्राय इस कली काल में जीवन चंग असुर सांगता सब लोग क्या कहे ना असुर प्रवृत्ति में लगने लगे हैं। मांस मछली मदिरा जो जो असुर लोग खाते हैं, इंसान जो चीज खाते हैं उसको ग्रहण नहीं करते हैं। और उनका जो स्वभाव क्या है, गिद्ध स्वभाव। गिद्ध मतलब चील, चील आकाश में उड़ता है, आकाश में उड़ने के बाद अपने आप को मानता है कि मैं तो बड़े श्रेष्ठ स्थान पे हूँ, आकाश में उड़ रहा हूँ, सबसे बड़े उच्च स्थान पे हूँ। लेकिन उसका जो दृष्टि कहाँ पे, पचे हुए सड़े हुए सब के ऊपर। उसी प्रकार मनुष्य सोचता है कि हम बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़े धनी हैं, बड़े गुणी हैं, फिर भी उनका जो दृष्टि क्या है ना असुरतांगता, असुर स्वभाव में सब लिप्त हो रखे हैं। तो इन कलिकाल के बद्ध जीव के लिए शोधन ही किम परायण, किस प्रकार का साधन करना श्रेष्ठ है, किस प्रकार का ये भजन करेंगे, किस प्रकार इनका उद्धार होगा। इस प्रकार जब प्रश्न पूछते हैं तब वहाँ पे से शुद्ध गोस्वामी ने उत्तर देते हुए बोल रहे हैं कि कालप्यालमुखग्रासं त्रासनिना सहेतवे, कालप्यालमुखग्रासं त्रासनिना सहेतवे कलो श्रीमद् भागवतम। कलि में केवल एकमात्र श्रीमद् भागवतम ही कलो किरेन वाचितम, कलि जीव के कलि के जीव को उद्धार करने के लिए कलो किरेन सूर्य के समान और अज्ञान भ्रांत विध्वंस, अज्ञान रूपी जो अंधकार को विध्वंस करके ये क्या करते हैं ना ज्ञान सब, मतलब जो ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो रहे हैं और कलिकाल की चीज जो है ना काल प्यार ग्रासन काल रूपी सर्प के द्वारा वो धीरे धीरे घुसता जा रहा है और कुकर्म में लिप्त हो रहा है। केवल केवल एकमात्र केवल भागवत कथा मृत से ही जीव का उद्धार हो सकता है। तो ये जो भागवत कथा मृतम है इसको अमृत क्यों बताया गया, तो बोल रहे हैं कि ये क्या है ना मम कर्ण रसायनम,
ये कानों में जब आता है ना रसायन यानी कमी, एक औषधि की तरह जीव को भवोर भव रोग से उसको उद्धार करते हैं। अब इसमें बता रहे हैं कि ये अमृत से भी श्रेष्ठ हैं, इसी बात को बोलने के जा रहे हैं कि बोलने जिस समय सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे, परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, तब वहाँ पे परीक्षित कथा वक्तु सुधा भंगम सुग्रीतम, परीक्षित महाराज जी जब कथा सुनने जा रहे थे सुखदेव गोस्वामी पास मंगलाचरण किए, और मंगलाचरण करके जैसे ही आँख खोलते देख रहे हैं कि स्वर्ग के जितने भी देवता अमृत कलश लेके उनके सामने उपस्थित हुए। अब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि अमृत क्या है ये, क्या कर रहे हो तुम लोग? तब सुखदेव गोस्वामी को देवतागण बोलते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, ये कथा रूपी अमृत आप हमें दे दो और हमसे ये अमृत को ले दो। तब वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी हंसते हुए बोल रहे हैं सुधा का मणि महान, कहाँ पे ये कथा रूपी अमृत है और कहाँ पे कांच है और कहाँ पे एक मणि है, और तुम लोग की बुद्धि नहीं है, लेना देना किस चीज में होता है, समान कार्य में होता है, कहाँ अमृत है ये अमृत जिसको पान करने में से अभेद तो प्रदान करते हैं, भगवान के नित्य धाम प्रदान करते हैं, गोलोक धाम प्रदान करते हैं, और जहाँ जाने के बाद न कोई भी न निवर्तन थे वहाँ से पुनः नहीं आते हैं, लेकिन स्वर्ग में जो अमृत है उसको पान करने से क्या हुआ न पुण्यवर्धित हुआ, पुण्यवर्धित होते होते ये सारे अमृत क्या करेगा ना अपने पाप कर्म को सारे पाप को ये बढ़ाएगा धीरे धीरे, फिर पुण्य मरते लोके विसंधि, जब पुण्य खत्म हो जाएगा पुनः आना पड़ेगा। अब बोल रहे हैं ऐसा एक चीज है दोनों के दोनों अमृत ही है, अब बताओ जो अमृत पुण्य वर्धन करे उसको ग्रहण करे या जो अमृत पाप वर्धन करे उसको ग्रहण करे? तो बोल रहे हैं ये पुण्य वर्धन करने वाला ये अमृत है। तो इस प्रकार का जब महिमा है भागवत जी का, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को कथा सुनाया 7 दिन तक, और 7 दिन के बाद परीक्षित महाराज बड़े सुंदर एक दिव्य अप्सरी रूप धारण करके, सखी रूप धारण करके नित्य धाम में विमान में बैठ के भू भुव सत्य लोक तक ब्रह्मा लोक का देके नित्य धाम में चले गए। ब्रह्मा जी को बड़े आश्चर्य हुआ, परीक्षित महाराज क्या किए, केवल कथा ही तो सुने, कुछ किए? 7 दिन तक बैठ के एक जगह पे केवल कथा ही सुने। तो ब्रह्मा जी सोच रहे भाई कथा सुनने का इतना फल है, तब ब्रह्मा जी ने वहाँ पे एक तराजू लाके एक तरफ जगत के जितने भी वेद शास्त्र श्रुति पुराण दान तप धर्म को रख दिया, और एक तरफ केवल श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का महिमा को रख दिया। अब कथा श्रवण करने का महिमा को जैसे ही रख दिया, तब वो धीरे करके पूरा छट करके वो नीचे हो गया, और सारे के सारे जो भागवत के अन्य अन्य जो वेद शास्त्र उपनिषद वो ऊपर उठ जाता है। तो इस प्रकार भागवत जी का महिमा है। तो बोल श्रीमद् भागवतम कथामृतम की। तो ये श्रीमद् भागवतम कथामृत ये सनकादि ऋषि ने ये नारद जी को सुनाया। अब इसमें प्रश्न उठता है नारद जी कौन है? नारद जी है चंचल, एक जगह पे ठहरने वाले नहीं, और ये सनकादि ऋषि कौन है? ये स्थिर, ये बद्रिकाश्रम में एक जगह पे रहने वाले। अब प्रश्न उठता है ये नारद जी एक जगह पे इतने ही साधु इतने समय पे रहते हैं, उनका समय अवधि बता रहे हैं टाइम लिमिट, कि एक जगह पे अगर दुग्ध दोहन करा जाए ना उतने समय मात्र ये नारद जी एक जगह पे टिकते हैं। अब नारद जी है चंचल और चतुसन है ये स्थिर, इन तीर और ये चंचल के बीच में कैसे मिलाप हुआ, वो भी 7 दिन तक तब वहाँ पे कथा श्रवण कर रहे हैं। एक समय ये नारद जी पृथ्वी में भ्रमण कर रहे हैं, प्रयाग च पुष्करणी च, प्रयाग में गए और सेतु बंध में गए, दुनिया के जा रहे थे सारे तीर्थ में गए, और सारे तीर्थ में देख रहे हैं सारे जगह केवल कली का प्रभाव है, सारे जगह केवल कली का प्रभाव है, कि कली ने पूरा का पूरा जीव को ग्रास कर रखा है, कहीं पे लड़ाई कहीं पे झगड़ा कहीं पे मदिरा कहीं पे अखाद्य ग्रहण कर रहे हैं कहीं पे जुआ आदि खेल रहे हैं, इस प्रकार देख रहे हैं मंदो सुमंत मत मंद भाग्य होता, कि सबका जो बुद्धि है सब झूठ बोलने में रहता है और अमंद मती है, और उनका जो कार्य है अपने पेट पोषण करने के लिए ही काम करते हैं और भगवान भक्ति भक्ति से कोई लेना देना नहीं। ये नारद जी सर्वत्र घूम घूम के इन्होंने सोचा भाई एक जगह भक्ति हो सकता है,
बोलो कहाँ पे? एक जगह भक्ति हो सकता है, भक्ति नृत्य थे जत्रम वृंदावन था, एक जगह भक्ति हो सकता है, मिल सकता है शायद ना वृंदावन में थोड़ा चला जाऊँ, ये वृंदावन में हर समय भक्ति देवी नृत्य थे, भक्ति देवी यहाँ पे नृत्य करती हैं। तब ये जब वृंदावन गए तो मया दुष्टा आश्चर्य तुम, वहाँ पे एक नारद जी बोलने के बड़े आश्चर्य बात देखा। क्या देखा? एक तरुणी बड़े सुंदर तकी दिव्य सिंहासन पे विराजमान है, बैठी हुई है, और सिंहासन पर बैठ के उनकी जो शोभा है जाजुल्यमान शोभा, उनके बड़े सुंदर सुंदर आभरण है, और उसी तरुणी वो तरुणी अवस्था में तो है, और उनके चारों तरफ दासी आदि उनके सखीगण उनको आलट चामर कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की सेवा कर रहे हैं। तब उन्होंने नारद जी ने आश्चर्य बात क्या देखा कि वो बड़े उदास हैं, दुखी हैं, और उनके सिंहासन के दो तरफ पे दो बूढ़े पड़े हुए हैं, और उनका शरीर कैसे पूरा, उनके जो त्वचा है वो पूरा जीर्ण हो चुका है, और उनका जो सांस धीरे 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 ले रहे हैं, और मानो कि किसी भी समय वो प्राण त्याग कर दे। तो इस प्रकार जब देखा तो वहाँ पे जाके देखते हैं सब रोना धोना कर रहे, तो नारद जी बोले भाई साधुओं को रोना धोना से क्या मतलब, चलो यहाँ। तो बीना बजा के नारद जी फिर जा रहे हैं, कि जैसे ही जा रहे थे तब वहाँ से पीछे से आवाज आया, भोगो साधु क्षण दिष्टम मच्चिंता अविनाशय दर्शन तब लोके सर्वथा अगमरम परम। बोलने की भोगो साधु क्षणम तिष्ट चिंता अविनाशय, कि हे साधु आप थोड़े रुक जाओ, मेरे चिंता मेरे दुख का आप नाश करो, और आप जैसे साधु का दर्शन मात्र से क्या होता है ना, सर्वथा अघम परम, अघ यानी सर्व पाप को हरण करने वाले, आपके दर्शन मात्र से ही सर्व पाप हरण हो जाते, इसलिए मेरा सौभाग्य है मेरे पास साधु आए हैं, तो कृपा करके आप मुझे कृपा करो और थोड़े देर रुक जाओ। तब नारद जी पूछते हैं, हे देवी आप इतने बड़े सुंदर हो, आप क्यों यहाँ पे रुके हो और क्यों यहाँ पे रो रहे हो, और ये दो आपके जो दो साइड में दो बूढ़े व्यक्ति पड़े हैं वो कौन है, और आप तो इतने सुंदर होते हुए भी और इतने सारे दासी होते हुए भी आप इतने उदासीन क्यों हो, आप इतने दुखी क्यों हो? तब वहाँ पे बोलने की अहम भक्ति रति ख्याता, मैं कौन हूँ, मैं भक्ति देवी हूँ, मेरा नाम भक्ति देवी है। अच्छा आप भक्ति देवी हो, तो ये दोनों कौन है ना, ये ज्ञान और ये वैराग्य, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। लेकिन यहाँ पे आश्चर्य क्या है, जागतिक जगत में देखा जाता है माता वृद्ध हो जाते हैं और उनके बेटा कैसे जवान रहते, लेकिन यहाँ उल्टा है, भक्ति देवी तो पूरा तरुणी अवस्था में है, भक्ति देवी तो जवानी अवस्था में है, लेकिन उनका जो दो पुत्र वो बूढ़े हो गए। तब नारद जी पूछते हैं इस प्रकार का आश्चर्य कैसे हुआ, इस प्रकार का घटना कैसे घटा? तब वहाँ पे भक्ति देवी बोलते हैं, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गतम क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे चिन्हता गता। हे नारद जी मैंने उत्पन्न द्राविड़े होता हूँ, मैंने द्राविड़ देश में उत्पन्न हुआ, और वृद्धि कर्नाटक गता, मेरा वृद्धि कहाँ हुआ, कर्नाटक में, कर्नाटक यानी साउथ में, दक्षिण भारत में बड़े बड़े संत आए, रामानुचार्य और रामानंदाचार्य, हाँ तो इन लोगों ने वहाँ पे भक्ति का प्रबल धारावल बहाया, और श्री संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य हैं साउथ में, तो बोल रहे हैं कि वृद्धि कर्नाटक ही कथा, तो मेरा वृद्धि तो कर्नाटक में हुआ, और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, जब मैं महाराष्ट्र आया तब वहाँ पे क्या हुआ, मेरा थोड़ा थोड़ा भक्ति धीरे धीरे तो रुका, लेकिन जैसे ही मैंने गुजरात चला गया, गुजरे चिन्हतांग कथा, गुजरात में मैं जाके क्या हो गया, मेरा सारे के सारे भक्ति वहाँ पे नष्ट हो गया। लेकिन भक्ति देवी उस समय की बात है, आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा भक्ति कहाँ होता है, बोले गुजरात में होता है, सबसे बात सबसे ज़्यादा धनी परिवार सब व्यक्ति कहाँ रहते हैं, गुजरात में रहते हैं। बोले यहाँ पे बल्लवाचार्य तुकाराम आदि बड़े बड़े वैष्णव वहाँ पे जन्म हुए, और एक वैष्णव जन्म होना वहाँ पे उस स्थान को पवित्र कर दिए, और पवित्र करके फिर वहाँ पे स्वयं लक्ष्मी का निवास होते हैं, और वहाँ पे आज से आजकल सबसे ज़्यादा भक्ति गुजरात में विशेष करके होता है। तब भक्ति देवी सोचे कि भक्ति वृंदावनम
मैं क्या करूँ ना, वृंदावन चले जाता हूँ भक्ति नृत्य से जत्र। लेकिन मैं जब वृंदावन आया, वृंदावन आते ही मैंने क्या हुआ, मेरा शरीर में पुनः जान आ गया और मैं पुनः तरुणी अवस्था को प्राप्त हो गया। लेकिन मैंने जब वृंदावन आ गया, मैं तो तरुणी हो गया, लेकिन मेरे जो दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, ये बूढ़े हो गए, ये बूढ़े हो गए। तो नारद जी इन सब बात को सुन के बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं अभी इनको सारे के सारे शास्त्र गीता उपनिषद आदि श्रवण करके इनको पुनः इनका ज्ञान और वैराग्य को होश को पुनः प्रस्तुत कर दूंगा, पुनः जागृत कर दूंगा तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य को। तो इस प्रकार के नारद जी को कथा को सुन के वहाँ पे श्री भक्ति देवी स्तुति करते हैं, बोलते हैं कि आपके दया से ये कयाधु का पुत्र प्रहलाद, इनको भक्ति प्राप्त हुआ, भगवान सिंहदेव का कृपा प्राप्त हुआ था, और आपके ही कृपा से आपके एक शिष्य ध्रुव महाराज जी को भी भगवत 6 महीने में भगवत दर्शन हुआ था। तो इस प्रकार से जब स्तुति करते हैं भक्ति देवी, तब नारद जी उनके कान में ज्ञान और वैराग्य के कान में जितने उपनिषद जितने शास्त्र सब सुनाते, फिर भी कुछ नहीं होता। सब अंतिम में सोचते हैं कि वेद वेदांत सब सुनाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और उसके आगे सर्वधर्मों के सार जो है श्रीमद् भागवतम गीता, गीता को भी सुना दिया। जब गीता को सुने, ज्ञान और वैराग्य को तो थोड़ा होश आया, थोड़ा आँख खोले, लेकिन थोड़े समय में फिर से उठ गए। तब नारद जी बड़ा आश्चर्य हो गए, नारद जी वहाँ पे बड़ा आश्चर्य हो गए, आश्चर्य होकर सोच रहे हैं कि मैंने सारे के सारे तत्व ज्ञान वैराग्य को सारे के सारे वेद वेदांत गीता और सब सुना दिया, फिर भी इससे और कौन सा श्रेष्ठ साधन है। तब आकाशवाणी हुआ कि हे नारद जी, आप इनको श्रेष्ठ कल्याण श्रेष्ठ साधन जो है आप उनको वो सुनाओ। तो नारद जी सोचने लगे कि इससे भी श्रेष्ठ उपाय और क्या है। तो नारद जी एक एक करके जाके पूछने लगे, पूरा पृथ्वी में भ्रमण करते करते एक एक करके पूछ रहे हैं कि भाई श्रेष्ठ साधन क्या है। तो एक एक करके जो नारद जी जैसे महाभागवत पूछेंगे तो सब लोग, कोई बोल रहा है मुँह छुपा गया, कोई बोल रहा है आज मेरा मौन प्रसन्न है नहीं बोल सकता, तो सब अलग अलग करके बोल रहे हैं। तो नारद जी घूमते घूमते जब बद्रिका आश्रम ले गए, तब वहाँ पे चतुर्सन का उनका दर्शन हो गया। ये चतुर्सन कौन है? ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनत कुमार, सनानंद और सनातन। ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, इन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी को देखते ही बोले कि नारद जी आप तो इस प्रकार विस्मित, आप जैसे साधु लग रहा है, आप बड़े चिंता में हो, बड़े दुखी में हो, अरे क्या हुआ नारद जी, क्या बात है? तब नारद जी ने सारे के सारे घटना सुनाया कि मैं इस प्रकार कली काल में पूरा का पूरा कली सारे के सारे जीव को ग्रस्त कर चुका है, और मैं इस प्रकार भ्रमण करते करते जब वृंदावन गया, वहाँ पे भक्ति देवी तो तरुणी अवस्था में है, लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य हो जितना वो बूढ़े हो चुके हैं। तो चतुर्सन बोले फिर आपने क्या किया? तो नारद जी बोले मैंने उनको वेद वेदांत शास्त्र उपनिषद गीता तक भी सुना दिया, फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ, आप कृपा करके मुझे श्रेष्ठ साधन बताओ। तभी चतुर्सन बोलते हैं, अरे नारद जी आप भूल गए क्या, जिस समय से वेद व्यास जी को ये 18 पुराण रचना करने के बाद संतोष नहीं मिला, उनके हृदय को तृप्ति नहीं मिला, तब आप ही ने तो उनको श्रीमद् भागवतम की महिमा, श्रीमद् भागवतम के कथा के ग्रंथ लिखने का उपदेश दिया था, क्या आप भूल गए? तब नारद जी बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम क्या है? सर्व वेदांत सार, सर्व वेदांत ब्रह्मसूत्र का ये सार है और गायत्री का भाष्य है ये श्रीमद् भागवतम। मैंने पूरा का पूरा वेदांत सुना दिया, शास्त्र सुना दिया, अब अलग से श्रीमद् भागवत सुनाने का क्या आवश्यक है? तब वहाँ पे थे चतुर्सन ने 3 उदाहरण देते हैं, बोल रहे देखो कि जिस प्रकार गन्ना का जो पेड़ है, यद्यपि गन्ना का पूरा पेड़ में रस है, लेकिन जो स्वाद गुड़ में आता है, शक्कर में आता है, वो गन्ना के पेड़ में उस प्रकार का स्वाद नहीं आता। और दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे कि दूध में ही घी है, दूध से ही घी निकाला जाता है, लेकिन जो काम दूध करता है और जो काम घी करता है, असल दूध करने वाला काम घी नहीं कर सकता और घी करने वाला काम दूध नहीं कर सकता। कोई बोलेगा
मुझे दिया जलाना है, दूध से जला दूं, दूध में ही तो घी है। कोई बोलेगा पूरी चमना है, दूध से चम लो, संभव है, असंभव बात है। तो तीसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार अगर कोई बोले कि मैं आम को चूस लूं, आम को खाऊं और आम को इतना स्वादिष्ट है, इतना मीठा है, कोई सोचने लगे कि आम अगर इतना मीठा है तो आम का जो पाप यानी जो पेड़ वो कितना मीठा होगा। तो आम को छोड़ के अगर पेड़ और टहनी को तो पत्ते को अगर चबाने लगे तो ज़्यादा कोशिश करेगा तो बत्तीस के बत्तीस हाथ में आ जाएगा। तो बता रहे हैं कि पूरा दुर्व्यापी वृक्ष में रस है, रस होने के कारण भी पूरा का पूरा निचोड़ जो है वो आम में ही, आम से ही आस्वादन किया जा सकता है। फिर भी वेद शास्त्र का ही ये साज है, लेकिन वेद शास्त्र का जो निचोड़ हुए जो पका निगम कल्प जरूर गलितम सुखा मुखा द्रुप संचितम, ये कल्प रूप वेद रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल है वो क्या है ना, श्रीमद् भागवत। आप नारद जी कृपा करके श्रीमद् भागवतम की कथा उनको सुनाओ। तब नारद जी ने वहाँ पे बोलते हैं कि भाग्य उदय न बहुजन में कि हे चतुषण, भाग्य उदय से बहुत जन्म से कि भाग्य के उदय के स्वरूप ही आप जैसे साधुओं का दर्शन मिलता है और आप जैसे साधु का दर्शन मात्र से ही मोहरूपी जो अंधकार है वो दूर हो जाते हैं। तो आपकी कृपा करके आप जैसे महाभागवत होते होते मैं क्यों सुनाऊँ, आपकी कृपा करके ये भागवत सुनाऊँ। तब चतुष्ण ने बोला हरिद्वार के आनंद घाट नाम के स्थान पे ये भागवत कथा सुनाने के लिए आयोजन कर दो। तब वहाँ पे जितने ऋषि मुनि थे, वेद वेदांत और जितने बड़े बड़े शास्त्र के थे और जितने देवता गण थे, देवी गण थे, सब लोग वहाँ पे उपस्थित हुए। सारे के सारे ऋषि हरिद्वार में उपस्थित हुए। चतुष्ण आके विराजे, उनके लिए व्यास आसन बिठाया गया और नारद जी आके श्रोता के रूप में बैठ गए और वहाँ पे और तीन आसन लगा दिया, भक्ति देवी, ज्ञान और वैराग्य के लिए। तब वहाँ पे जो जो ऋषि मुनि तो आए थे लेकिन जो जो ऋषि मुनि नहीं आए, ये अगस्त ऋषि सबके घर घर जाके बोले, बोले सुने हो नारद जी को चतुष्ण कौन है, ब्रह्मा के मानस पुत्र, ये श्रेष्ठ भगवान के परम भक्त ये कथा सुनाने जा रहे हैं और यहाँ पे जो श्रोता भी महाभागवत है और जो भक्ता भी महाभागवत है, इसको मिस मत करो, सबके सब हरिद्वार चलो। तब सबके सब हरिद्वार में इकट्ठा हो गए और भक्ति देवी भी अपने दो बूढ़े पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेके वहाँ पे उपस्थित हो गए। अब वहाँ पे भगवान के जय जयकार होने लगा और स्वर्ग से दुंदुभी आदि बातें करके पुष्प वृष्टि करने लगे देवतागण और वहाँ पे जितने भी ऋषि मुनि थे सब जय ध्वनि लगे, बोलो श्रीमद् भागवतम की जय। जोर से बोलो। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, जहाँ पर भागवत कथा हो ना, जहाँ पर ठाकुर जी भागवत कथा हो, स्वर्ग से देवता लोग भी खुश होते हैं, बोले भागवत कथा हो रही है, वो लोग भी धुंधुरी हो जाते हैं, स्वर्ग से पुष्पों की कारजात पुष्पों की गोचार करते हैं, जहाँ पर ये श्रीमद् भागवत कथा हो। मतलब ये जो भागवत कथा ये कोई साधारण कथा नहीं, देवता लोग भी, और अभी सुन रहे थे ना, ये मत समझो आप ही यहाँ पर कथा बैठ कर सुन रहे, नहीं, जहाँ ये कथा हो कहते ब्रह्म लोग से ऋषि लोग आते हैं, स्वर्ग लोग से देवता लोग आते हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया ये सब तो पूरी आ जाते हैं, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी ये सात नदी आ जाते हैं, दंडकारण्य दीप समस्त वन भी वहाँ पर आते हैं, यहाँ तक भी सबके सब आकर कथा सुन रहे हैं। इसलिए ये मत समझो आप ही यहाँ बैठ कर कथा सुन रहे हो, कौन कथा सुन रहे हैं, समस्त देवा देवी भी यहाँ पर बैठ करके ये भागवत कथा को समस्त व्यक्ति ये कथा श्रवण करते, इसकी बड़ी महत्व है ये श्रीमद् भागवत कथा। जोर से बोलो बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। तब वहाँ पे जय ध्वनि देने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे और श्रीमद् भागवत कथा का वहाँ पे शुरुआत हो। तब वहाँ पे सदा से व्यम श्रीमद् भागवतम कथा वार्ता, ये श्रीमद् भागवतम कथा को श्री चतुष्ण बता रहे हैं कि सदा से व्यम हर रोज, ऐसा नहीं कि आज श्रवण कर लिया और कल हम नहीं श्रवण करेंगे,
बोलेंगे नित्य इसको क्या करना चाहिए, ना पाठ करना चाहिए, नित्य इसका एक एक श्लोक भी, आधा श्लोक भी, और आधा से आधा श्लोक भी, एक अक्षर भी श्रीमद् भागवतम का अगर हृदय में अगर प्रवेश हुआ तो बोल रहे हैं कि हरि शिष्य राम, हरि क्या करते हैं हृदय में आके बैठ जाते हैं। इस प्रकार ये भागवत जी का महिमा है। और वहाँ पे भागवत जी कथा जैसे ही बोलने लगे, धीरे 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 ये ज्ञान वैराग्य कथा को सुन के धीरे धीरे ये हृष्ट पृष्ट होने लगे, और हृष्ट पृष्ट होके देखने लगे कि भक्ति देवी वहाँ पे, हे नाथ हे दीनबंधु हे कृष्ण सिंधु मुरारे मधुकैट भारे, इस प्रकार का स्तुति करते लगे और अपने ज्ञान और वैराग्य के साथ वहाँ पे नृत्य करने लगी। अब जैसे ही वहाँ पे नृत्य करने लगती है भक्ति देवी, वहाँ पे श्री नारद जी और चतुर्संग ये भक्ति देवी पूछते हैं, बताओ आपने मेरा काम कर लिया नारद जी, अब मैं मेरा स्थान कहाँ पे, मैं किस कहाँ जाके बैठूँ। तब नारद जी बोलते हैं, आप तो वैष्णव का प्रिय हो, आप ये जहाँ जो जो लोग यहाँ पे कथा सुन रहे हैं उनके आप हृदय में बैठ जाओ, आप उनके हृदय में बैठ जाओ। तब ये भक्ति देवी सबके वहाँ पे जितने भी पशु पक्षी, यहाँ तक कि पशु पक्षी के भी हृदय में बैठ गए, और ऋषि मुनि देवता नाग किन्नर यक्ष सबके हृदय में बैठ गए। और बैठने के बाद पूरा उस हरिद्वार के आनंद घाट में भक्तिमय हो गया। और जैसे ही भक्तिमय हो गया वहाँ पे साक्षात श्री भगवान वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल, तो बोल रहे हैं ये कथा श्रवण करने का महिमा है कि भक्ति सदा सर्वदा हृदय में विराजमान करते हैं और ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। और जिसके जिस जगह पे जिसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होते हैं साक्षात वहाँ पर भगवान प्रकाशित हो जाते हैं और भगवान उनको दर्शन करते हैं। और यहाँ तक भागवत जी की टीका में बोल रहे हैं कि जो जो लोग कथा श्रवण करते हैं ना, भगवान उनको अंगीकार कर लेते हैं, भगवान उनको आलिंगन करते हैं और भगवान कथा के कथा श्रोता के ऋणी हो जाते हैं। इस प्रकार ये भागवत जी का महिमा है। ये बोल रहे हैं अपने वाणी से उसमें दो कथा आती है, एक तो ज्ञान वैराग्य और एक आता है गोकर्ण धुंधुकर की कथा। हमारे कल दूसरे प्रभु आपको सुनाएंगे, आज लेट हो गया है। अब से एक प्रश्न करता हूँ, ये बताओ कथा कितने से कितने बजे तक होने पर आप लोग सुन सकते हैं, क्योंकि कथा के बाद में रोज प्रसाद। हमारे दीदी सभी के लिए आज पूरी सब्जी बनाई, कल कढ़ी चावल, अलग 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 दिन में अलग अलग प्रसाद की व्यवस्था करेगी। कथा के बाद में आपको पूरा प्रसाद मिलेगा, इसलिए आप लोग बताओ। आपसे पूछ रहा हूँ कितने से कितने तक कथा होने पर आप सुन सकते हो, बोला सकते, बोलो जोर से, अरे बोलो सबसे बोलो कितना तक, तीन से सात तक, ठीक है तीन से सात तक है ना, ठीक है कौन कौन बोलते हो तीन से सात तक, हाथ उठाओ हाथ उठाओ, तीन से सात तक कौन कौन बोलते हैं सबके साथ, ठीक है तीन चार पाँच छः सात, ठीक है तीन से सात और सात के बाद में फिर भगवान का प्रसाद लेकर के फिर आप लोग चलोगे, ठीक है तीन से सात तक है ना, ठीक है ठीक है। अगर तीन से अगर सात हो जाएंगे और दस मिनट सुन लो, ठीक है और दस मिनट कथा सुन लो, क्या बोलो कितने से कितना तक, बोलो सुना लो भगवान को जल्दी सुना लो, और दस मिनट सुन लो, ठीक है साठ बजे से पहले कथा भी विश्राम कर देंगे, क्योंकि आज का जो दिन है नियम है कथा की जो महिमा आज का दिन कथा की महात्मा विश्राम हो जानी चाहिए। अभी तो अपने सुना ज्ञान वैराग्य की कथा, उसमें गोकर्ण धुंधकारी की कथा है, हमारी प्रभु जी आपको गोकर्ण धुंधकारी कथा है। हरि बोल हरे कृष्ण। अज्ञान निरंकस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द, बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम।
गुरुपाद पद्म परम आराधितम श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त श्रोत मंडली, माता पिता भाई बहन सभी को चरणों में यथायोग्य प्रणाम। हम लोग प्राय गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण कर चुके हैं गोकर्ण मुक्तोपाय की कथा। ये भक्ति देवी ही उस समय पर प्रश्न करती है कि क्या कोई ऐसा उदाहरण आप बतला सकते हैं कि जिसने पूर्व जन्म में पाप कृत्य किए हो और उन पापों से भी श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके कोई उद्धार हुआ हो। तो उस समय पर चतुसन नारद जी के सामने ये गोकर्ण उपाख्यान सुनाते हैं। कहते हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण सदाचार संपन्न था, द्वितीय एवं भास्कर। पंडितों की सभा में उसे विज्ञान भास्कर बोलते थे। लेकिन उसकी पत्नी का नाम था धुंधली, पति के बिल्कुल विपरीत, यथा नाम तथा कृत्य। नाम ही उसका था धुंधली। सब जगह समय झगड़ा करती रहती थी, कलह प्रिय थी और किसी से भी उसकी पटती नहीं थी। जब तक पूरे दिन में चार पांच औरतों से लड़ना नहीं, तब तक तो उसका खाना ही हजम नहीं होता था। इस प्रकार से पूरे गांव में फेमस थी, सब घर में था विराजमान धन संपत्ति, लेकिन कोई पुत्र नहीं था, घर में कोई भी संतान नहीं थी। और आत्मदेव इसी के कारण इतने दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि मैं जाके आत्महत्या कर लूंगा। तो इसीलिए वो वन में चले गए। वन में रोज जोर जोर से जब क्रंदन कर रहे थे तो उधर से कोई सन्यासी निकले। सन्यासी ने रोता हुआ देखकर उनके पास में आए, पूछा, कथम रोदसि विप्रत्वम्, काते चिंतावलियसी, बोलो साधु क्यों रो रहे हो, बताओ अपनी चिंता क्या कारण है। तो उसने वहां पर कहने लगा कि हे बाबा, हमारे पास लिया हुआ सब कुछ है भगवान, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। और सन्यासी ने जैसे ये सुना, वो तो माथे पे हाथ पटक के और विचार करने लगे कि यहाँ मन में कोई रो रहा था, मैं सोच रहा था भगवान के लिए रो रहा होगा, ये तो बेटे के लिए चिल्ला रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने कहा, देखो इस जन्म की बात छोड़ दो, हम थोड़ा ज्योतिष जानते हैं और हम देखकर बता रहे हैं तुम्हारे इस जन्म के अगले 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। ये सुनने मात्र से आत्मदेव बड़े दुखी हो गए। वहां पर सन्यासी महाराज उनको समझाने लगे कि देखो, तुम ये मानते हो कि पुत्र होने से तुम खुशी हो जाओगे, घर में सुख आ जाएगा, तो ये तुम्हारी एकमात्र भूल है, ये मूर्खता है। अरे सगर महाराज के तो 60,000 पुत्र थे, उनको क्या शांति मिली। चित्रकेतु महाराज, उनके पहले पुत्र नहीं था, साधु के आशीर्वाद से बाद में पुत्र हुआ, उसी पुत्र को सौतेली माँ ने जहर देके मार दिया, वो भी पुत्र के कारण बाद में बहुत ज्यादा दुखी भी हुए। तो पुत्र तुम्हें शांति दे देगा, सुख दे देगा, ये तुम्हारा भ्रम है, मूर्खता मात्र है। इसलिए क्या करो, संन्यासो सर्वदा सुखम, संन्यास ग्रहण करो, मेरे साथ चलो, अरे बाबा बन जाओ, भजन करने क्या आनंद है, एक बार करके तो देखो। वहां पर आत्मदेव उनको कहने लगे, बोले देखो तुम बाबा जी लोगों को तुम्हें क्या पता, पुत्र पौत्र समर्पित का सुखम, अरे जिस परिवार में छोटे छोटे बच्चे मम्मी मम्मी पापा पापा कहकर बुलाते हैं, उनकी किलकारियां जब घर में गूंजती है, अरे वो तो वैकुंठ वही है, तुमको तुम बाबा लोग को क्या पता गृहस्थ में कितना सुख है। समझ गए वहां पर आत्म सन्यासी महाराज की, इसके तो पुत्र का भूत चढ़ा हुआ है, इसके बाद समझ में नहीं आने वाली। उन्होंने क्या किया, एक फल तोड़ के और उसको दे दिया, बोले इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इसको खाने से बच्चा हो जाएगा। बस आत्मदेव वहां पर नाचते नाचते घर में आए, बोले भाग्यवान सुनती हो, क्या बात है, बोले ये लो ये फल खा लो। बोले चिल्ला तो ऐसे रहे थे जैसे कोई नौलख का हार लाया हो मेरे लिए, मैं सोच रही थी आज कोई बढ़िया यजमान मिला होगा और तुम्हें बढ़िया दक्षिणा मिली है, तुम ये फल क्या लाए हो, फल मैंने कभी खाया नहीं क्या। बोले ये साधारण फल नहीं है, ये फल खाने से बच्चा होगा, संतान होगी। धुंधली की ये बात समझ में आ गई, लेकिन मन ही मन विचार कर रही थी, नाम क्या है, धुंधली है ना। तो कुतर्क के मारे जब शाम में उसकी एक सखी आई, उससे बात कर रही है, बोली कि मैंने सुना है जब कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो उसका पेट बाहर निकल जाता है। बोले हाँ। बोले ठीक से खा नहीं पाती, ठीक से चल नहीं सकती। बोले हाँ ये बात भी ठीक है। अरे मैं विचार कर रही हूँ, मेरे पति आज ना एक फल लेकर आए हैं, कहते हैं उसको खाने से संतान होगी, अगर मैं भी गर्भवती हो गई, देवमश्रा कभी गांव में डाका पड़ गया कभी गांव में आग लग गई, तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। और मैंने सुना है कि सुखदेव गोस्वामी जैसे 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे थे, अगर मेरी संतान 3-4 साल भी रह गई तो मेरा तो वहीं पे राम नाम सत्य हो जाएगा। एवं कुतर्क योगिना तत्फलम नैव भक्षितम्, इतनी कुतर्क थी उसने वो फल नहीं खाया।
फल खाया नहीं। जब आत्मदेव ने पूछा कि तुमने फल खा लिया, पतिदेव से भी झूठ बोल दिया, बोले हाँ जी खा लिया। क्या किया, वो फल तो खिला दिया गाय को। और उसकी बहन आई थी, उसकी बहन उस समय पर गर्भवती थी, बहन से उसने कह दिया, बोले मेरे पति ऐसे ऐसा फल लाए हैं और कहते हैं कि इसको खाने से संतान होगी। बोले तेरे पति भी बाबा के चक्कर में पड़ के ना पकड़ाए गए हैं। अरे फल खाने से कोई संतान होती है क्या? तो एक काम कर, मैं भी गर्भवती हूँ, मेरे घर में कुछ खिलाने को नहीं, तेरे घर में कोई खाने वाला नहीं, मैं अपनी संतान तुझे दे दूंगी और तू उसके विनिमय में मेरे पति को कुछ पैसे दे देना, उसी से वो खुश हो जाएगा। ठीक है, डील पक्की हो गई। जैसे ही इसकी बहन गर्भवती हुई है, बच्चे का जन्म होने पर अपनी बहन धुंधली को लाकर दे दिया। और 3 महीने बाद में जो फल गाय को खिलाया था, साधु का आशीर्वाद से है ना, साधु का आशीर्वाद था फल के अंदर, गाय ने भी एक मनुष्य शिशु को जन्म दिया है। पूरा दिव्यांग सर्वांग सुंदरम दिव्यम, उसका इतना सुंदर कलेवर था, केवल मात्र कान गाय के जैसे थे। अभी दोनों का नामकरण होगा। धुंधली जी कहने लगे, देखो मेरी संतान का नामकरण मैं करूंगी, तो मेरा नाम है धुंधली, बेटे का नाम होगा धुंधुकाली। और जिस पुत्र का जन्म हुआ था गाय के गर्भ से, उसका नाम रख दिया गौकर्ण। अभी दोनों संतान धीरे धीरे बड़े होने लगी, बड़ी होते होते दोनों की ख्याति फैलने लगी। एक तो हुआ विख्यात और एक हो गया कुख्यात। पंडितों क्या बोलते, गौकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधुकाली महाकल। गौकर्ण तो बड़ा बुद्धिमान था, विद्वान था, लेकिन धुंधुकारी अपनी माँ की तरह ही कलप्रिय। जब तक घर के बर्तन दो चार ले जाके बेच ना दे और माता पिता से झगड़ा ना कर ले, कुएं के पास में बच्चे खेल रहे थे उनको धक्का मार के कुएं में ना गिरा दे, शाम होते 4-5 शिकायत जब तक घर में ना आ जाए तब तक उन्हें भी शांति ना मिले। धीरे 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 आत्मदेव घर से इतने विरक्त हो गए थे, उन्होंने सोचा कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। घर छोड़ के जब जा रहे थे, उस समय पर गौकर्ण ने अपने पिता को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। 2 श्लोकों के माध्यम से अपने पिता को समझाने लगे हैं। कहते हैं, देहे अस्ति मां सुदिर अभिमतां तजस्वम्। कह रहे हैं श्लोक के अंदर कि इस शरीर से जो आपकी आसक्ति है, उस आसक्ति को हटा दो पिताजी। आप सोच रहे हो कि इस जड़ जगत में मैं ही एकमात्र दुखी हूँ। कहते हैं, नच इंद्र सुखम किंचित नच सुखम चक्रवर्ती ना। ये आपकी भ्रांति है। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा कि ये संसार तो दुखालय है। अरे भैया जा, चिकित्सालय जैसे हुआ, चिकित्सालय में तो चिकित्सा ही होगी, वहां पे मेडिसिन मिलेगी। पुस्तकालय है, पुस्तकालय में क्या मिलेगी? पुस्तक मिलेगी। ऐसे ही भगवान ने खुद ने कहा है कि ये संसार दुखालय है, तो दुखालय में तो दुख ही मिलेगा। आप सुख ढूंढने की चेष्टा कर रहे हो, कैसे होगा? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना, निर्धन कहे धनी सुखी, धनी कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख ब्रह्म सुख शिव को भारी, तुलसीदास कहे बिचारी बिना हरि भजन सब लोग दुखियारी। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक सुखी नहीं रह सकते। इसलिए यहाँ पर गौकर्ण अपने पिताजी को समझाने लगा, बोले पिताजी आप ये जो आसक्ति है अपने पुत्र में, अपनी स्त्री में, उसको छोड़ो। अन्यस्य गुण दोष दुश्चिंतम आशु मुक्त्वा। कह रहे हैं दूसरों के गुण और दोष को विचार ना करते हुए भगवान का भजन करो। वन में जाके और दशम स्कंद का आश्रय लिया है, उसका पाठ करते करते यहाँ पर आत्मदेव ने अपना जीवन सार्थक किया। पीछे से रह गए थे घर में माँ, धुंधली को भी अपने पुत्र ने इतना परेशान किया, उसने भी कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। घर में 5-5 वैश्य को ले आया और उनका पालन करने के लिए चोरी डकैती न जाने क्या क्या बुरे काम करता। एक समय पर राजा के दरबार में डाका डाल दिया, राजा के कोषागृह से इतना गहना और सब चुरा के ले आया। पांचों वैश्य मनी मन विचार कर रही है कि कल तो CID लग जाएगी, इसको पकड़ने के चक्कर में हम लोग भी पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, रात ही रात धुंधुकारी को बड़े बुरी तरीके से मार दिया, उसके गले में फंदा लगा के उसको मारने की चेष्टा करी। जब मर नहीं रहा था तो जलते हुए अंगार लेके उसके मुंह में ठूस ठूस के उसे बड़ी बुरी तरीके से मार दिया। अब इतनी गंदी मौत हुई है तो सदगति तो मिलेगी नहीं, उसी घर में वो वहां पर प्रेत बन गया। जब गौकर्ण को ये बात पता चली कि मेरा भाई मर गया है, उसने तो पिंडदान कर दिया था, हम सुन रहे थे ना, गया के अंदर जाकर पिंडदान किया, पिंडदान करने पर भी उसे मुक्ति नहीं मिली, इतने पाप कर्म थे।
लेकिन जब गोकर्ण वापस पुनः घर में आया है, अलग अलग रूप लेके, कभी सांड का, कभी बकरे का, कभी हाथी का, इस तरह से रूप ले लेके और गोकर्ण को डराने लगा। उसने अभिमंत्रित जल द्वारा उसको जब बोलने की शक्ति प्रदान करी, तब कहता है कि मैं आपका भाई धुंधुकाली हूँ, आप मेरी मुक्ति के लिए कुछ विचार कीजिए। उसके बाद में गोकर्ण जी ने उसे श्रीमद् भागवत का श्रवण करवाया। भागवत सप्ताह पारायण आयोजन किया है और उस समय पर गोकर्ण धुंधुकारी ने एक बांस के अंदर आश्रय लिया, क्योंकि प्रेत है कहीं स्थिर तो रह नहीं सकता। तो एक बांस थी जिसके अंदर 7 जॉइंट्स थे, 7 गांठ थी, उस 7 गांठ वाली बांस में आश्रय लिया है और उसके अंदर रह के उसने 7 दिन तक कथा श्रवण करी। एक एक दिन की कथा संपन्न होती, एक एक बांस की गांठ चटकती जाती, 7 दिनों में 7 गांठ चटक गई और दिव्य रूप धरो जाकर तुलसी दाम मंडिता। 7 दिन की कथा जैसे शेष हुई है, बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप धारण किया, भगवान की प्रसादी तुलसी माला गले में पहन रखी है, चतुर्भुज स्वरूप जो पार्षद देह होती है वैसा स्वरूप धारण किया है और गोलोक वृंदावन से उसके लिए रथ आया, विष्णु दूत उस पर विराजमान थे, बड़े सुंदर रूप से उसका आह्वान कर रहे कि आप आओ रथ पे विराजमान हो और आपको हम ठाकुर के चरणों में लेकर जाएंगे। वहां पर गोकर्ण जी प्रश्न करने लग गए कि देखो कथा सुनने के लिए तो इतने सारे लोग बैठे थे, पूरा गांव आकर कथा सुन रहा था, लेकिन आप रथ एक ही लेकर आए, इसका क्या कारण है? तो उस समय पर विष्णु दूत उत्तर देते हैं कि देखो कथा तो सबने सुनी है, लेकिन जिस तरह से गोकर्ण, जिस तरह से धुंधुकारी ने कथा सुनी उस तरह से सबने नहीं सुनी। कह रहे हैं श्रवणम तो सर्वम कृतम न मननम कृतम, सबने कथा सुनी लेकिन मनन किसी ने नहीं किया, मनन तो एकमात्र गोकर्ण ने ही किया था। इसलिए कथा सुनने की पद्धति बता रहे हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, बोले विश्वास गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भाविना मनस्जोष्णस्तेषां कथायां निश्चलां मतिम्। विश्वास गुरु वाक्येषु, जो वक्ता हरि कथा बोल रहा है, भागवत कथा बोल रहा है, ऐसा नहीं इस कथा को काल्पनिक मान ले, एक एक शब्द वो भगवान के मुख से निसृत वाक्य है, इसलिए उनके वचनों पर विश्वास होना चाहिए और स्वस्मिन् दीनत्व भाविना, दीनहीन भाव से कथा श्रवण करनी चाहिए। हनुमान जी का नाम सुना है ना, हनुमान जी किस प्रकार कथा सुनते हैं, बड़े दीनहीन भाव से, जो स्थान जहाँ पर कथा होगी उस स्थान पर आके पहले प्रणाम करेंगे, कथा से पहले नियम है कि वक्ता से पहले कथा में उपस्थित हो जाना चाहिए, आकर उस स्थान को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भागवत कथा आयोजन हुई है वो स्थान कोई साधारण नहीं है, देवता लोग भी वहां पर आकर कथा सुनते हैं अलक्ष्य रूप में, तो फिर हमारी और आपकी तो बात ही क्या, इसलिए उस कथा स्थान पर आकर प्रणाम करो, दीनहीन भाव से एक मन से कथा सुनो। जब इस प्रकार यदि कथा कोई सुनेगा तो निश्चित रूप में उसके लिए भी रथ आएगा। अभी गोकर्ण जी ने पुनः वापस सप्ताह का आयोजन किया और सभी गांव वालों ने इस बार बड़े ध्यान से कथा सुनी, तो सभी के लिए इस बार रथ आया है। जैसे ही कथा शेष हुई सभी के लिए, जितने श्रोता थे, जितने वक्ता, जितने श्रोता थे, उतने ही रथ आए हैं। और जिस प्रकार भगवान राम सारे अयोध्या वासियों को लेकर अपने साकेत धाम को गए हैं, उसी प्रकार गोकर्ण जी सभी के साथ में भगवत धाम को जाएंगे। स्वयं भगवान गोकर्ण को लेकर आए हैं और उनकी महिमा गा रहे हैं कि हे गोकर्ण, तुम्हारे जैसे कथा के दानी बड़े ही सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनका एकमात्र काम एक बद्ध जीवों को मेरे पास लाने का ही रह गया है, ऐसे कथा वक्ता वो क्या कहते हैं ना, भूरिता जना, उनकी महिमा को कोई गा ही नहीं सकता, इस जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ दानी यदि कोई है तो ऐसे कथावाचक ही है। तो इस प्रकार भागवत कथा का आयोजन पुनः हुआ, सभी के लिए रथ आया, सभी ने भगवत धाम को गमन किया। और विशेष करके वहां पर विधि का जब निरूपण करते हैं, कहते हैं और कुछ विधि या विशेष पालन करो या ना करो, लेकिन भगवान का नाम संकीर्तन करने का विशेष विधान बताया है। इसलिए जब वहां पर भगवान विराजमान थे, प्रहलाद स्थालधारी तरल गति गया, कह रहे हैं प्रहलाद महाराज भी वहां पर उपस्थित हो गए, ताली की सेवा करने लगे, अर्जुन वहां पर राग अलापने लगे, वहां पर चतुसंत थे, चतुसंत भी वहां पर जय हो जय जयकार करते हुए भागवत की जय जयकार दे रहे हैं। वहां पर वीणाधारी देवर्षि नारद उपस्थित हुए, उन्होंने भी तान छेड़ने लगे हैं। वहां पर स्वयं व्यास पुत्र शुकदेव गोस्वामी भागवत के श्लोकों का गान करते हुए और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों से नृत्य करने लगे हैं। इसलिए इतना आनंद का माल माहौल वहां पर हो गया, सब नाम संकीर्तन भगवान का कर रहे हैं। बोलो श्री भागवत कथामृतम की। कृपा सुंदर
जब ये कथा हुई लेकिन रथ एक के लिए आया लेकिन रथ सभी के लिए नहीं आया। जब नहीं आए तब उन्होंने पूछे भैया यहाँ चढ़ो कथा सुनने के लिए, बहुत सारे भक्त बैठे हैं लेकिन ये रथ तो सभी के लिए आनी चाहिए ना, लेकिन इस एक ही रथ क्यों आया? आप लोगों ने एक श्लोक सुना है ध्यान कर सुना कथा के सुनने चाहिए बोले विश्वास वाक्यसु। पहला नंबर है ये भगवान की कथा में विश्वास रहनी चाहिए। ये जो भागवत क्या है ये भागवत ग्रंथ नहीं कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये जो भागवत है इसका एक नाम चतुश्लोकी मतलब सर्वप्रथम ठाकुर ने ही ये चार श्लोक रूप में ब्रह्मा को दिया है। ये भगवान की कृष्ण से मुख निश्चित वाणी जैसे भगवत गीता है। ये भगवत गीता क्या है? यदि हमारी कृष्ण का वाक्य है जैसे अलग अलग धर्म जैसे मुसलमान धर्म है उनका जैसे बाइबल है पुराण है और क्रिश्चियन का बाइबल है और हमारी भगवत गीता हमारी ये हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ भगवत गीता है। इसलिए कहते हैं ग्रंथों के ऊपर में हमारी विश्वास होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है हमारा तो सिनेमा में विश्वास है, वहाँ तीन तीन घंटा बैठ करके सिनेमा में हम दे सकते हैं जो एकदम गंदी चीज है झूठ मूठ का चीज एक रूप में बना दिया वहाँ बैठ बैठ कर तीन घंटा हम दे देंगे। लेकिन घर में भगवद गीता रामायण को हमारे विश्वास नहीं है। एक समय मैंने कहीं कथा करने जयपुर गया था, मैं आ रहा था देखा है कि 7-8 साल का बच्चा पतंग उड़ा रहा है छोटा बच्चा। मैंने कहा तेरा नाम क्या है? उसने जो नाम बताया पता चला ये मुसलमान है। मैंने उसको पूछा भैया तुमको अपना कुरान आती है? वो छाती फुला करके बोला हाँ मेरे को कुरान आती है। पहले मैंने सुना तो कुरान बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा तुम्हारे धर्म में कितने साल उम्र से कुरान पढ़ाया जाता है? कहते हमारे मुसलमान धर्म में 2 साल उम्र में कंपल्सरी बच्चे को कुरान पढ़ाते हैं 2 साल उम्र में। इसलिए आप लोगों को पता होगा शुक्रवार का दिन बच्चों को टोपी पहना करके ले जाते हैं यहाँ रोड बंद कर देते करते कि नहीं करते थे ना। इसलिए ये अपना बच्चों का धर्म संस्कार इसलिए उनका धर्म का प्रति बड़ा विश्वास है। लेकिन हमारे किसी हिंदू बच्चे को पूछो भैया गीता का कोई श्लोक बोलो रामायण का कोई चौपाई बोलो भागवत का कोई बोल सकता है? आप लोग सो बैठे हो बताए बता सकते हो गीता की कोई श्लोक याद है रामायण की कोई प्यार याद है? पूछो पूछो कौन हीरो का नाम क्या सब याद है कौन हीरोइन का नाम कौन सा प्लेयर का नाम सब याद हमारी सारी गंदी चीज को याद कर बैठ गए। लेकिन हमारे धर्म में हमारी कोई रुचि नहीं। इसलिए हमारे धर्म है ना धीरे 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 डाउन होते जा रहे हैं। कारण है हम बच्चों के अंदर में कोई संस्कार नहीं डालते, उनको स्मार्टफोन देते हैं लेकिन हमारी कोई गीता भागवत का कोई संस्कार नहीं डालते। देखो सही घटना सुनो इस्कॉन का नाम सुने ना इस्कॉन बोले जैसे भगवद गीता जयंती आया तो अमेरिका घटना है। एक समय इस कोने से कुछ भक्त लोग देखना जब गीता जयंती आते ना खूब गीता को बांटते अमेरिका में अमेरिका घटना है तब उन्होंने 8-10 भक्त जगह जगह पर खड़े होकर गीता बांट रहे थे। गीता जयंती में प्लेन से एक व्यक्ति उतरा तब उन्होंने बोला गीता बह बेकार गीता बता क्या लेकिन और थोड़ी दूर गया लेकिन वो 8-10 खड़े थे बोले गीता बह गीता बता क्या लेकिन देखा सामने 8-10 खड़े हुए बोले भैया तो ठीक है गीता ले लो 2-4 डॉलर देकर गीता ले लिया। देखा तो बेकार कुछ ही काम कर उनको ड्रम रख लिया। वो व्यक्ति एक दिन इतने डिप्रेशन में वो व्यक्ति चला गया वो सुइसाइड करने के लिए तैयार हो गया सुइसाइड करेगा। इतने में और सोच रहा था सुइसाइड करेगा इतने में सोचा जिस ड्रम में वो बंदूक था ना उसी ड्रम में ये भगवद गीता था। उसको पता नहीं था इसमें भगवद गीता देखो ये गीता क्या ग्रंथ है। जब उसने ड्रा खोला जब बंदूक पकड़ने गया सुइसाइड का मारने के लिए वो बंदूक नहीं आकर भगवत गीता उसकी ग्रंथ में आ गई। वो उसको पता नहीं पहला पेज खोला लेकिन जब पहला पेज खोला उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा बोले हे अर्जुन तुम ये शरीर नहीं तुम आत्मा हो। ये शरीर क्या है ये एक कपड़ा है
जैसे कोई कपड़ा पुराने होने पर हम छोड़ करके हम एक नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह जो आत्मा है ये न जाए थे न मृियते अजो नित्य शाश्वत अयम पुरा। ये आत्मा नित्य शाश्वत है, ये नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। ये आग में जलती नहीं, वायु से सूखता नहीं, पानी में बहती नहीं, आत्मा शाश्वत है। इसलिए हे अर्जुन, अगर तू जीवन में शांति पाना चाहते हो तुम भगवान को नाम लो, भगवान की भक्ति करो। उदाहरण दे रहे थे जैसे कि पिंजरा है, अच्छा तरह संत पिंजरा है, पिंजरा में एक तोता रहता है, लेकिन अगर वो तोता को हम खाना नहीं दे, पिंजरा को दिन भर पेंटिंग करते रहे, बताओ तोता जिंदा रहेगा, बताओ जिंदा रहेगा नहीं। क्या उसी तरह हम आत्मा है, ये शरीर एक पिंजरा है, लेकिन हम क्या करते हैं ये पिंजरा को तो ब्यूटी पार्लर में ले जाएंगे, इसको तो दाल भात सब्जी पराठा और क्या क्या इसको खिलाते, लेकिन जो आत्मा की जो आहार है ना उसको कुछ खिलाते नहीं, इसलिए हमको शांति नहीं मिलती है। इसलिए हम शरीर नहीं है आत्मा। अगर तुम सांसों का शांति पाना चाहते हो, ये पिंजरा को अंदर में जो तोता बैठा उसको ध्यान दो। देखो वो व्यक्ति मरने जा रहा था, बंधु पकड़ने जा रहा था, गीता आ गई, कृष्ण की बात सुनकर के ना वो सुइसाइड किया, मरेगा क्या, वो रात भर वो गीता को पढ़ता रहा, रात भर गीता को, जैसे उसको नया जीवन जैसे मिल गई। वो मरेगा क्या, सुइसाइड नहीं किया, रात भर गीता में नई 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 चीज उसने देखा, नई नई। अभी नरेंद्र मोदी का नाम सुने कि नहीं, कि नरेंद्र मोदी अभी जहां दुनिया में जाता है कौन सा ग्रंथ दूसरों को देता है, भगवत गीता देख रहे रहता है। रशिया में वहां की भगवत दो लड़की आ गई यहाँ पर बैठी हुई, तो वहां बैठ करके वहां पर ट्रांसलेशन सुन रही है, आ गई देखो लड़की दो बैठी वहां पर रशिया। इसलिए विदेश अभी सारे गीता को जो रिसर्च कर रहे हैं, उसने भैया गीता ग्रंथ आया कैसे, उसने एड्रेस लिखा हुआ था, फोन नंबर लिखा हुआ था, उसने फोन किया, फोन करके पूछा भैया आप लोगों का कोई सेंटर, बोले यहाँ यहाँ पर सेंटर है, बोले आपसे मैं मिलना चाहता, बोले आओ। जब वहाँ पर गया बोले मैं तो डिप्रेशन में मरने जा रहा था, लेकिन गीता ने मेरे को प्राण दान दे दिया। तब उन्होंने पूछा मेरे को शांति नहीं मिल रहा है, हमको शांति नहीं। तब उन्होंने समझाए भैया इसलिए शांति नहीं मिल रही है क्योंकि तत्व तो जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव वो ईश्वर का अंश है, उसका कर्तव्य ईश्वर की भक्ति करना। लेकिन जहाँ पर शांति है वहाँ पर नहीं ढूंढ करके, जहाँ दुख है वो वहीं पर सुख ढूंढ रहा है। कृष्ण खुद कहते हैं संसार दुख का घर है, कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी धन था लेकिन हम वही सुख ढूंढ रहे, लेकिन आनंदमय कौन, बोले रस वैस भगवान ही रस वैस है, लेकिन उनका चरण को जहाँ आनंद छोड़ दिया, जहाँ दुख हम वहीं पर सुख ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुमको दुख मिल रहा है। अगर तुम शाश्वत शांति अगर पाना चाहते हो क्या करो, भगवान ने कलयुग में सबसे सरल उपाय बताया, भगवान का नाम जप करना, भगवान के नाम जप करना, भगवान की कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतरेगा, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। केवल गीता की एक श्लोक पढ़ करके मरने जा रहा था, अभी वो साधु है, अभी हमारे जो सन्यासी वेश लेकर के संपूर्ण पृथ्वी में वो क्रिश्चियन होकर के सारा पृथ्वी में गीता का प्रचार अभी कर रहे सन्यास ले करके, ऐसे हमारी धर्म भगवत गीता। लेकिन दुख का विषय है हम गीता पीता से कोई मतलब नहीं, घर में देखो जितने नाटक नवेल उल्टा पुल्टा चीज घर में पड़ी होगी, भगवान की कोई ग्रंथ नहीं, इसलिए हमारे धर्म नीचे घटते हुए कभी जा रहे हैं ना। इसलिए अगर चाहते हो जागृत होना शांति सुख बना क्या करो, गीता रामायण भागवत को पढ़ो, इसी में ही असली शांति, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं विश्वास क्यों उनको रथ एक क्यों आया, कारण कहते हैं विश्वास गुरु वाक्य। सो पहला नंबर तो ये भागवत में विश्वास रखो हैं, भागवत में विश्वास रखो, इसलिए पहला नंबर है। एक छोटी सी कहानी सुन लो कैसे विश्वास होनी चाहिए। बोले एक समय कोई एक शिष्य रोज नदी पार करके गुरु जी के आश्रम में सेवा करने आता था, फिर वो वापस चल जाता था। जैसे जन्माष्टमी में ठाकुर जी रात 12 बजे जन्म लेते हैं, अब उसी दिन सेवा करते करते हो गया रात, रात हो गया तो उसने कहा गुरु जी मेरे को वापस जाना पड़ेगा। बोले क्यों बेटा, रात को सो जा, रात 1 बज गया कहाँ जाओगे।
बोले गुरु जी अगर यहाँ रहूंगा ना मेरे बीवी बच्चे की याद आएगी, लेकिन अगर घर में जाऊंगा तो आपको याद आएगा, कल गुरु जी के आश्रम में जाना सेवा करना। बोले बात तो सही है। बोले ठीक है बेटा तू चले जा। बोले गुरु जी जाऊँ कैसे, बीच में नदी है, केवल तो सो गया होगा, अभी पार कैसे होगा। बोले देख बेटा एक मंत्र लिख करके देता हूँ, ये मंत्र को तुम हाथ में पकड़ कर रखना और पानी में चलते चलते पार हो जाओगे। गुरु जी ने एक कागज ऊपर मंत्र लिखे, बोले अच्छे तरह से विश्वास करके पकड़ना। जब सचमुच से जब पकड़ा ना वो पानी के ऊपर चलते 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 जा रहा था। बोले भैया गुरु जी ने क्या मंत्र लिखा है जो पानी के ऊपर चलते चलते जा रहा हूँ, करके पार हो ही गया, अभी थोड़ी दूर था। उसको मन में बड़ा कुतूहल हुआ, इसमें लिखा हुआ क्या, कौन सा मंत्र। जो कागज को खोला ना उसमें लिखा हुआ था हरे कृष्णा
समझो उसमें चार चांद लग जाते हैं। ये कथा में सहज में एकादशी नहीं आती है, लेकिन क्योंकि भागवत ग्रंथ में एकादशी की बड़ी महिमा बताए, इसलिए कथा में एकादशी आई तो समझो चार चांद इसमें लग गई। लेकिन ये भागवत कथा में कल एकादशी है, समझो कथा की विशेष महत्व है, इसलिए कल जरूर आप लोग एकादशी व्रत रख दो। कौन कौन करते हो सही सही बताओ, कौन कौन एकादशी रखते हो? कई कई हमारे भक्त लोग भी ज्यादा है, हम लोग एकादशी करते हो। जो नहीं करते हो ना कोशिश करना कल एकादशी व्रत रखने के लिए। देखो जो एकादशी को ना ध्यान देकर सुनो, जो एकादशी को बताया ये कल्पतरु व्रत। कल्पतरु मतलब जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो मांगो वो वही दे देता है, ये एकादशी में ठीक कल्पतरु वृक्ष है व्रत है। जो मांगोगे एकादशी करके ना सब मिल जाएगी, जैसे कोई सोम कोई मंगल कोई बुध अलग अलग व्रत रखते होंगे। लेकिन ये एकादशी 15 दिन में एक एकादशी आती है। एक एकादशी का नाम पुत्रदा, पुत्रदा मतलब जिनकी संतान नहीं हो रही, पुत्र नहीं हो रही, वो एकादशी व्रत करने से पुत्र मिलता है, इसलिए एक एकादशी का नाम पुत्रदा, जो पुत्र को दान देती है। आगे हम सुने एक नंद बाबा का घर में बेटा नहीं था, कृष्ण थे नहीं, उनने सारे बार व्रत तपस्या सब कुछ कर चुके थे, लेकिन जब पुत्रदा एकादशी आई दोनों बात कर रहे हैं, हमने सारे व्रत करके देख लिया लेकिन घर में बच्चा नहीं आया, कल पुत्रदा एकादशी हम एकादशी व्रत करेंगे। जब एकादशी व्रत किया ना कृष्ण ने एक एकादशी का नाम अर्णदा, अर्णदा मतलब जिसकी धारण में अर्ण सत्सली का नहीं है, अगर वो एकादशी करो ना घर में अर्ण सत्य आते हैं। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, जिनकी धर्म में पैसा की करनी है लक्ष्मी की, जो एकादशी करो तो घर में लक्ष्मी आती है। एक का नाम पाप वचनी, जिसको करने से जीवन का सारे पाप नष्ट हो जाती है। एक का नाम विजया, विजया मतलब अगर वो विजया एकादशी करोगे ना तुम जहाँ जाओगी तुम्हारी उधर ही विजय विजय होगा। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, जिसको करने से जीव संसार के बंधन से जिसको मुक्ति मिल जाती है। आप पढ़ कर देख लेना, ऐसे कोई चीज नहीं किसका शरीर का बीमार थी, किसका राज्य चला गया था, किसी घर में दुख दुख नहीं जा रही थी, आप स्वयं पढ़ कर देख लेना। हम 26 ये 12 महीना में 26 एकादशी का अलग अलग महिमा है, एक नहीं अलग अलग महिमा एकादशी की, इसलिए एकादशी की इतनी महिमा है। कल हम अच्छी तरह से सुनेंगे, कोई पति पत्नी थे सबर से लड़ाई हो गई, आप देखना बेहतर तो एकादशी नहीं करेगी, अगर पति पत्नी में लड़ाई हो जाए ना 2-3 दिन में एकादशी होती है, निर्जला एकादशी है। अभी 2 पति पत्नी में लड़ाई हो गई पूरा निर्जला एकादशी रह गई, और ये अगले जीवन में ना राजा रानी होकर जन्म लिए, देश का राजा रानी होकर जन्म लिए, एकादशी निर्जला व्रत हो गई, तो इतने महिमा। इसलिए एकादशी का दिन अर्ण में गो हत्या नर हत्या ब्रह्म हत्या भ्रूण हत्या ये जितने सब पाप एकादशी का दिन अर्ण को आश्रय करके रहते हैं। एकादशी का दिन जो अर्ण भोजन करते हैं कहते सारे पाप से मुक्ति मिलेगी, लेकिन एकादशी का दिन जो अर्ण भोजन करते हैं उनको कोई मुक्ति नहीं, कोई मुक्ति नहीं होती। इसलिए एकादशी की इतनी महिमा काल हम बहुत अच्छे तरह से एकादशी की महिमा सुनेंगे, इसलिए कल कोई अर्ण नहीं खाना, अर्ण नहीं खाना है। जैसे नवरात्रि आती है जैसे फल मूल खाते हो आलू की सब्जी खाते हो, कल शाम का आप सभी के लिए यहाँ प्रसाद की व्यवस्था है, एकादशी का कोई चिंता मत करो, सबको कल यही प्रसाद मिलेगा। अगर दिन में भोजन करना तो जैसे आलू का सब्जी कुट्टू का पकौड़ा मक्खन का खीर हाँ फ्रूट क्रीम बना कर खा सकते हो, खाने के लिए ड्राई खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें। हमारे देखो हमारे मंदिर में ना बाबा लोग जब एकादशी आते खुश हो जाते हैं, मतलब रोज रोटी सब्जी खाते हैं, कम से कम एकादशी का दिन तो बढ़िया चीज अलग चीज मिल जाती है ना, इसलिए एकादशी का दिन तो खाने के लिए बहुत चीज है, इसलिए कोई चिंता मत करो। इसलिए कल कोशिश करना जैसे 12 बजे तक कुछ नहीं लेने, ठीक है ना, रात दिन 12 बजे तक, उसको बाद में जैसे आप लोग आलू की सब्जी बना कर खा सकते हो, कुट्टू का पकौड़ा जो कुछ खाना खा सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करना कल एकादशी व्रत जरूर रखे। कल एकादशी में कोई अर्ण मत खाओ, क्योंकि भागवत कथा में एकादशी का इसका 4 चांद लग जाते हैं, ठीक है। कल हम बढ़िया अच्छी अच्छी आपको कथा सुनाएंगे एकादशी का क्या महत्व है। बोले श्री एकादशी तिथि की, बोले श्री भक्ति जनन की जय। तेरे छेद विवाह
I'm gonna go.